हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड, आज मैं आप सभी को जिप कोड क्या होता है, पिन कोड क्या होता है, पोस्टल कोड क्या होता है, पोस्ट कोड क्या होता है, इनसे जुड़ी सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। इनसे जुड़ी हर बात, हर सवालों का आज मैं आप सभी को उत्तर दूंगा। फ्रेंड, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कभी भी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही कन्फ्यूज होगा से आखिर जिप कोड क्या है, पिन कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है, पोस्ट कोड क्या है। ये इनके लिए आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। का पूरा नाम है फ्रेंड, जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान। ठीक है फ्रेंड, ये है जिप कोड का पूरा नाम। जिप कोड का हिंदी का मतलब आंचलिक सुधार योजना होता है, लेकिन आप आसान भाषा में जिप कोड का मतलब पिन कोड होता है। ठीक है फ्रेंड, आपसे कहीं भी जिप कोड मांगा जाए तो आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए, वही आपका जिप कोड है फ्रेंड। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे फ्रेंड। तो जिप कोड जो होता है वो पिन कोड ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। पिन कोड और जिप कोड दोनों एक ही होते हैं। यहाँ तक समझ गए फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। जो अगर बात करें कि जिप कोड यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जिप कोड का इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है, जो कि इंडिया में पिन कोड के नाम से जाना जाता है, तथा वही अमेरिका में जिप कोड के नाम से जाना जाता है, अन्यथा इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है फ्रेंड, समझ गए आप। जो ये जिप कोड है, इसे अमेरिका में यूज किया जाता है और इंडिया में उसे पिन कोड कहा, मतलब बात वही है। एक बंदा है जिसका नाम यहाँ पर जो है राम है, लेकिन विदेश में जाता है तो अपना नाम बदल के थोड़ा रोमियो रख लेता है फ्रेंड। इस तरह का मतलब एक नाम उसकी, जो यहाँ पर पिन कोड होता है उसे अमेरिका में हम जिप कोड कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कंफर्म समझ में आएगा फ्रेंड। जिप कोड क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है फ्रेंड, तो जिप कोड क्या है का फुल फॉर्म जोनल इम्प्रूवमेंट प्लान होता है, ये मैंने पहले बताया था। बेसिकली जिप कोड किसी एरिया या किसी पोस्ट ऑफिस को खोजने में मदद करता है। जिप कोड के माध्यम से सरकार द्वारा गाँव, कस्बों तथा पिछड़े इलाकों को खोज कर सुधार करने में भी आसानी होती है, तथा जिप कोड के जरिए कोई भी एरिया को आसानी से पता किया जा सकता है, कौन सा एरिया कहां पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, जिप कोड 5 अंक का होता है और 6 अंक का भी होता है। ठीक है फ्रेंड, जिप कोड 5 अंक का होता है, जिसे क्षेत्र, पोस्ट ऑफिस, गांव, कस्बे जानकारी छुपी होती है। आप ये सभी समझ लीजिए कि पिन कोड, जिप कोड, पोस्टल कोड
ये सब एक ही होते हैं। जो अगर आपके पास पोस्टल कोड है तो उसी को आप पिन कोड की जगह पर यूज कर सकते हैं और जिप कोड की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड ये बात अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंड ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड से जिप कोड, पिन कोड, पोस्ट कोड, पोस्टल कोड, ये चारों चीज़ फ्रेंड एक ही होते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं होते, बस इनका नाम अलग अलग है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था से इंडिया में जो बंदा रहता है उसका नाम राम है, लेकिन जब वो अमेरिका जाता है तो अपना नाम थोड़ा सा चेंज करके उसे रोमियो कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल सेम उसी तरह है से जो ये जिप कोड जो है, पिन कोड है, पोस्टल कोड, पोस्ट कोड, ये सब एक ही है, बस इनका थोड़ा थोड़ा जो है टाइटल, थोड़ा थोड़ा जो है पत्र बदल रखा है, बाकी सब एक ही है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया उस जिप कोड, पिन कोड, पोस्ट कोड, पोस्टल कोड एक ही होते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं होते, कतई अलग नहीं होते। तो जिप कार्ड का जो खोज है वो कब हुआ था, तो जिप कोड मीनिंग इन हिंदी, ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब जानते हैं कि जिप कोड की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ। जिप कोड की शुरुआत 1 जुलाई 1963 को 1963 को अमेरिका में पहली बार यूज किया गया था। जब जिप कोड शुरू किया गया था तो ये 5 अंक का हुआ करता था, लेकिन जैसे बदलाव होता गया चीज़ें बदलती हैं। ठीक है फ्रेंड, जिप कोड जो होता है वो 5 अंकों का भी होता है और 6 अंकों का भी होता है, ये बात ध्यान रखना फ्रेंड, 5 अंकों का भी और 6 अंकों का भी होता है। तथा 5 अंक के जिप कोड में कुछ कमियां पाई गई, उसको पूरा करने के लिए 1983 में 4 अंक और जोड़ दिया गया तथा जिप कोड 9 अंकों का कर दिया गया, तब पूरी तरह से जिप कोड में सुधार हुआ और इस्तेमाल भी बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड, ये सब अमेरिका में हुआ ना कि इंडिया में। अपने एरिया का जिप कोड कैसे पता करें, ठीक है फ्रेंड, अब आपको पता करना है अपने एरिया का जो जिप कोड है वो कैसे पता करें। तो इसमें जैसे आप आइए जानते हैं कि एरिया का जिप कोड कैसे पता करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं वर्ल्ड पोस्टल कोड पर जाइए और एरिया का जिप कोड पता कर जाइए। ये तो फ्रेंड इस तरह से आप चाहोगे तो चेक कर सकते हो, लेकिन दूसरा भी बिल्कुल ईजी तरीका बता रहा हूँ, आप अपने गूगल पर जाइए और गूगल पे जाके अपने जिप कोड लिख दीजिए या पिन कोड लिख दीजिए और उसके बाद अपने एरिया का नाम लिख दीजिए, या पहले अपने आप एरिया का नाम लिख दीजिए और उसका जिप कोड लिख दीजिए। जैसे कि मान लो मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो आपको गूगल, जैसे कि मुझे अपने जो जिप कोड है वो पता करना है या पोस्टल कोड या पिन कोड पता करना है, तो मैं गूगल पर जाऊँगा या किसी भी क्रोम पर जाऊँगा, वहाँ पर जाकर मैं सर्च करूँगा रोहिणी जिप कोड, जो रोहिणी पिन कोड, रोहिणी पोस्टल कोड, बस फ्रेंड वो बता देगा सेम है मेरी एरिया का जिप कोड क्या है, पिन कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है, बाकी ये एक ही होते हैं, आपको सब एक ही दिखाएगा। फिर जिप कोड कैसे पता निकलता है, जिप कोड 9 अंकों का होता है, इसमें हर कुछ जानकारी है, 9 जिप कोड के अंदर स्थित, ये कोई काम का नहीं है फ्रेंड, लेकिन आप पढ़ सकते हो। और ये आ गया फ्रेंड लास्ट निष्कर्ष, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिप कोड का मतलब क्या होता है और उसके यूज़ क्या होते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी शुरुआत कब हुई और क्या क्या होता है फ्रेंड, ये सब मैंने इस वीडियो में बता दी है। फिर आपको कुछ भी समझ में ना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मोटी मोटी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में इस वीडियो में आखिर क्या हुआ गया। इस वीडियो में हमने ये जाना कि जिप कोड क्या होता है, पिन कोड क्या होता है, पोस्टल कोड क्या होता है, पोस्ट कोड क्या होता है,